तो नमस्कार दगड़ियों, आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सब लोग जा रहे हैं, पीछे से मेरी टीम भी आ रही है, दो ये हम जा रहे हैं लकड़ियां तोड़ने, लकड़ियां लेने जा रहे हैं। बहुत सालों बाद जा रहे हैं, पहले हम कभी 10-12 साल पहले गए थे ऐसे, उसके बाद अब फिर जा रहे हैं। मित्र गौरव नेगी जी बहुत ये है, काफी एक्सपर्ट। एक बार इनको करंट भी लगा था, वो जो चीड़ का पेड़ था वो तार से एकदम सटा हुआ था, तो उनका ध्यान नहीं आया और उन्हें करंट लगा और पीछे से बहुत बड़ी गालियां। और बाकी टीम के मेंबर पता नहीं कहाँ हैं अभी, और हमने अपना ये देखिए सब पकड़ लिया है हथियार। और ये दो लोग, दो और अभी पीछे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो थोड़ा लेट आएंगे। रास्ते काफी ज्यादा खड़ा रास्ता एकदम, देख रहे हैं कितना जबरदस्त रास्ता है। और ये है हमारा गांव, अभी ये इस साइड है तो दो चार ही घर दिख पाएंगे यहाँ से। गौरव ने जी कुछ बताएंगे, हम पहले कितने सालों बाद आ रहे हैं, 10 साल बाद से आज? 10 नहीं, ज़्यादा 10 से ज़्यादा हो गए हैं। आज हल्की सी बादल की छोटी छोटी परत दिख रही है, लग रहा है 2-4 दिन में बारिश होने के आसार हैं। गौरव नेगी जी आप स्टार्ट करने वाले हैं काम लकड़ी तोड़ने का, और ये जो सूखा हुआ है इसको तोड़ने की कोशिश चल रही है उनकी, तो उसे फंसाने के लिए पहले एक कच्ची टहनी इसकी तोड़ी जा रही है। किस तरह से लकड़ी तोड़ी जाती है, क्या हमारी दिनचर्या रहती है पहाड़ों में, और ये पूरा तोड़ के इस तरह से बनाया जा रहा है इसको ताकि आसानी से वो फंस जाए और नीचे खींचने में उसको कोई दिक्कत ना हो। पहले से क्या करते थे हम, पत्थर बांध के, एक पत्थर बांधा जाता था उससे फिर फेंका जाता था, लेकिन उसमें ज़्यादा रिस्क होता था, वो फंसने में दिक्कत करता था और अगर खुल जाए तो सर पे गिरने की दिक्कत रहती थी उस पत्थर की। और गए दो सूरवीर, और फेंका चाबुक फंस गया है और सही जगह पे फंसाया है ये। इसको तोड़ने का भी एक तरीका होता है, आओ मैं, ओ टूट गया। एक और है, थोड़ा सा दूर है ये इसलिए थोड़ा पहुंच नहीं पा रही है रस्सी। और दो एक्सपर्ट हमारे साथ और जुड़े हैं, हर्षित ये और रमन कातिया। क्या अरे वीडियो बना बैठ ये, और हर्षित को एक पूरा पेड़ मिल चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी सूखी हुई है तो वो वहीं जुड़ गया है हर्षित। ये पूरी काली हो चुकी है तो उस वजह से इसको क्लीन किया जा रहा है कि ले जाने में आसानी रहे और लगे नहीं। ये बन चुका है मेरा अच्छा सा सही सा। तो ऊपर मेरे को फ्रेंड एक आवाज़ लगा रहे हैं मेरे, सुनील नेगी जी, हाँ बोल बोल बोल, तो कह रहे हैं कि ऊपर एक पेड़ सूखा हुआ है, तो चलो फिर ऊपर ही चलते हैं। ऊपर चलता हूँ मैं। ये जो जंगल है वो हमारे गांव के सबसे करीब है, तो लगे हुए हैं और अब इस एरिया का पेड़ की लकड़ियाँ तोड़नी है। पर्पज़ ये है कि लकड़ियाँ तोड़ने का, वैसे लकड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन यह है कि ये जो छोटे मोटे पतली पतली डंडियाँ इनको इसलिए तोड़ा जा रहा है कि केरोसिन ख़त्म हो चुका है, जो मिट्टी का तेल होता था वो गाँव में अब मिलता नहीं है कई सालों से, तो उस वजह से बीच में क्या होता था कि ये जो चीड़ का पेड़ दिख रहा है इसका जो कहते थे गोंद टाइप पे लीसा, मैंने लीसा बोलते हैं, वो जो निकलता है वो वैसे ठेकेदार वगैरह उसको ले जाते थे, बट उनसे हम कुछ ले लेते थे, लेकिन आज इस एक दो साल से वो भी नहीं निकालने आ रहे हैं, तो उस वजह से आग जलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम आए हैं आज। मेरा चलो थोड़ा पुरानी यादें भी ताज़ा कर लें और कुछ मस्ती वगैरह भी कर लें और ये भी लकड़ियाँ भी ले जाएँ। शीत पहुँच चुके हैं अब ऊपर टॉप में, और
वो चढ़ गया पेड़ पे, वो लगा हुआ पेड़ पेड़ से लकड़ियाँ काटने पे। पीछे मेरे पीछे हमारा माँ देवी माँ का मंदिर है, पीछे आपको हल्की हल्की चुनरी दिख रही होगी। अभी थोड़ी देर में जाएंगे, यहाँ से हिमालय दर्शन भी बहुत अच्छा दिखता है, तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। बस थोड़ा सा काम है, उसके बाद फिर मिलते हैं। बाकी लोग नीचे हैं, एक वो नीचे खड़ा है, वो लोग नीचे तोड़ रहे हैं। मनोज उपाध्याय जी भी नीचे हैं, गौरव नेगी जी भी नीचे ही हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप पे, पीछे मंदिर दिख रहा है, हर्षित और मनोज उपाध्याय, गौरव नेगी भी हैं सामने उधर, मंदिर थोड़ा दर्शन करने गए हैं। पीछे मेरे गांव दिख रहा है, ये है कफेलता का गांव, जियो का टावर भी पीछे लगा हुआ है यहाँ पे, और जबरदस्त दिख रहा है, बहुत जबरदस्त पीछे हिमालय दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, और हिमालय दर्शन बहुत ही ब्यूटीफुल सा हिमालय दिख रहा है पीछे। देखो जानी ए, और कात्या जी पूरी तरह से थक चुके हैं। भुगती का घोल बणी किसुआ, हरी भरी डारियों का, खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, बारिश होने के आसार लग रहे हैं, बादल भी घने घने छाए हुए हैं। इन्होंने लकड़ी तोड़ने के हथियार, गौरव नेगी ने रस्सी और उसमें एक ने बांधा है पत्थर, ये है पीछे इनका कमाल पत्थर वाला, ये मेन मेन एक्टर था। कसम से यार हमने तो वो बार बने थे, अरे कात्या की दे आप ही तोड़ ले यार। और हंसी का कोई ठिकाना नहीं, और पकड़ो दिए यहाँ पे, और पूरी जान लगाई है यहाँ पर। ओह ये आगे, और एक नेपाली जी चल दिए, अरे थोड़ देख, ओ ये बढ़िया बन चुकी है पूरी, और अब है इनको सजाने की तैयारी, लगा रहे हैं अब घर जाने के लिए तैयारी हो रही है। ये एक बन चुका है, यहाँ हर्षित भी लगे हैं पूरी तैयारी पे, उनका भी एक तैयार हो चुका है, एक मनोज उपाध्याय जी के तैयार हो चुका है, और सुनील लेगी नीचे हैं, वो पता नहीं अभी लगे हुए काम पे। टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं हम लोगों को यहीं, आज करीबन 2.5 घंटे से लगातार हम लकड़ियाँ ही बना रहे थे, खूब मजे किए। तो अब यहाँ से हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है, गौरव नेगी ने अपनी लकड़ियाँ उधर तैयार कर दी, इधर इनकी तैयार है, ये मेरा लग चुका है, ये है मनोज उपाध्याय का, और ये है हर्षित का, ये और मल्ला दूसरा अभी ईद बाब हिड़दिन ध्यान अजी ये जबकि जरा शायद रुकड़ो कुछ लकड़ियाँ वगैरह छूटी हुई है वहाँ पर, फिर उनको लेके जाएंगे, उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि टाइम हो गया है 2.5 घंटे के से ऊपर हमें हो गया।